जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमिक्स ज्ञान शर्मा का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे, आपके हर एक मनोकामना माता रानी की कृपा से होती रहे। दोस्तों, आज मैं आपके इस वीडियो में लौंग चलाने के विधि नियम क्या है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने इसके बारे में बहुत पहले से प्रश्न मेरे से पूछे थे। इसके बारे में जानकारी और साधना आज सही विधि नियम के बारे में उन्होंने कमेंट किया था, प्रश्न किए थे व्हाट्सएप में, कॉल में, बहुत जगह इनको मांग था इस मंत्र का। लौंग चलाना कोई सरल बात नहीं है, जो नहीं जानता वो कई बार इसको चलाकर देखते नहीं चलता है, और जो जिनको यह जानकारी है वह जानकारी जल्दी से बताता नहीं है। और क्योंकि बहुत लोगों ने संपर्क किया था कि लौंग चलाने के साधना केवल को मांगने के लिए बहुत सारे पैसे का मांग किए थे, कोई 15,000-20,000 इस तरह से पैसा का मांग किए थे, और उसके बाद में देने के बाद भी उन्होंने मंत्र और विधि नियम दिए, लेकिन चला करके देखा तो चला नहीं। साधना करने का विधि नियम भी बताया लेकिन चला नहीं। यह वीडियो को पूरा अंत देखना, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी बहुत खास है, नहीं तो कोई जानकारी चूक जाएगा तो आप जो है मिस्टेक हो जाएंगे और बाद में आप कमेंट करेंगे कि ये हुआ नहीं। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूं कि लौंग चलाते कैसे हैं, इसका विधि नियम कैसा है, क्योंकि इसका सार स्तंभ जब तक नहीं आपको पता नहीं होगा, सही विधि पता नहीं होगा तो नहीं चलेगा। और इसको जब तक सही विधि से जानोगे नहीं, देख नहीं लोगे अच्छी तरह से क्या क्या है क्या नहीं है, ये आप नहीं समझ पाओगे। नहीं तो जो ट्रिक के माध्यम से, हाथ की सफाई से माध्यम से भी या लौंग चलाने का विधि नियम वीडियो बना करके या फिर नजर बंद करके दिखा दिया जाता है। मैं जो बताऊंगा सटीक बताऊंगा, सही बताऊंगा। दोस्तों, तो पहला, कोई भी मंत्र, ऐसे लौंग चलाने के लिए बहुत सारे मंत्र है, लहसुन चलाने के लिए बहुत सारे मंत्र है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य बहुत कम ही जानकार व्यक्ति लोग इसको उजागर करते हैं। लौंग चलाने के लिए सार क्या है, जब तक कोई भी शक्ति, अदृश्य शक्ति लौंग पे बैठता नहीं है, विराजमान नहीं होता, उसको अभिमंत्रित नहीं किया जाता, तब तक लौंग नहीं चल पाता। केवल मंत्र पढ़ देने से लौंग चलता नहीं है, ना ही लहसुन चलता है, क्योंकि बहुत सारे मंत्र है। यदि मंत्र केवल पढ़ देने से यदि लौंग चल जाता तो कोई भी मंत्र पढ़ के आप चला सकते थे। मैंने भी पहले इसका प्रैक्टिकल किया, मंत्र पढ़ा, मैंने इसको सिद्धि भी किया लेकिन नहीं चला। फिर उसके बाद में जो जानकार व्यक्ति है उनसे संपर्क किया, उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, और जब उनके मेरे बारे में जानते थे वो, फिर उन्होंने सोच समझ करके बताया कि चलो ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया। इनके लिए सबसे पहले देखो लौंग कौन कौन सी शक्तियों से चलता है, सरलता से, एक कलुआ वीर, कलुआ मसान, मसान से, या फिर शमशानिक शक्ति से चलता है, या कोई देवी शक्ति आपके पास में हो। यदि आपके पास में इन सब शक्ति नहीं है, कलुआ मसान नहीं है, या मसान नहीं है, या फिर शमशानिक अदृश्य शक्ति नहीं है आपके पास में, या देवी शक्ति नहीं है, तो लौंग नहीं चल पाएगा। यह बिल्कुल सत्य बात है, कटु सत्य बात है, बिना सिद्धि के, बिना इन शक्तियों के लौंग नहीं चलेगा। अब इन शक्तियों को कैसे प्राप्त करते हैं, इनके बारे में मैंने कुछ कुछ वीडियो बताए हैं और आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको करते हैं। यह हो गया पहला। दूसरा, जब भी आप लौंग चलाते हैं तब आप उचित समय पर आपको कोई आवश्यकता हो तब लौंग चलाएंगे तो चलेगा और वो सही रहेगा। ये नहीं कि लौंग चलाने की विधि आप जान गए इसका मतलब कुछ भी पूछना, आज क्या सब्जी बनाना है, हाँ तो लौंग उठाओ, क्या सब्जी बनाते हैं, गोभी, आलू, भाटा, हाँ तो चलो लौंग बताओ, आलू रहने के कि आलू बनाएंगे किस भाटा बनाएंगे, ऐसा आपको सवाल नहीं करना है। यह जो मंत्र और सिद्धि शक्ति या दूसरों के हित के लिए और जनहित के लिए बनता है, इसलिए उसका इस्तेमाल उसी समय करेंगे तो ऊर्जा शक्ति बरकरार रहेगा और वो जो जवाब देगा वो सटीक होगा। बहुत लोग चलाते हैं लेकिन उत्तर सही नहीं आ पाता है, इसका कारण क्या है, आप जब उनका प्रयोग करेंगे, उनसे प्रश्न करेंगे तो उस समय उपयुक्त समय होना चाहिए, उपयुक्त चीज होनी चाहिए, तब इसके शरीर में क्या बाधा है, क्या नहीं है, देवी देवता है या नहीं है, यह पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब क्या होगा क्या नहीं है, इसका प्रश्न सही समय होने पर ही उसका उपयोग करना चाहिए। कोई भी शक्ति नहीं है उठा करके आप इस्तेमाल कर देंगे, इस्तेमाल करेंगे
होगा, लेकिन कुछ ही समय के लिए। दो तीन बार आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में जब इस्तेमाल करेंगे तो वह जो है इस्तेमाल नहीं होगा, वो आंसर आपको सही नहीं देगा। हाँ जी, ये क्या इसके शरीर में भूत है? हाँ बोलेगा लौंग खड़ा हो जाएगा, चल के दिखाएगा, लेकिन अब जो उनको प्रयोग करोगे ठीक करोगे नहीं होगा। इसे अब पीछे कारण यही है। अब तीसरा मेन बात, लौंग चलाने के लिए या फिर लहसुन चलाने के लिए आपको पहले इस मंत्र को अच्छी तरह से विधि नियम के साथ में, जिस विधि नियम से आपको बताया जाएगा उस विधि नियम से पूर्णता सिद्ध कर लीजिएगा। निस्वार्थ भाव से, कभी भी पैसे के लालच में मैं चमत्कारिक बन जाऊंगा या दिखाऊंगा इस लालच में कभी इस मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश न करें। ये दूसरे के हित के लिए सिद्ध करें, मैं यह कर लूंगा तो चमत्कारिक पुरुष बन जाऊंगा या मैं चमत्कार दिखाने योग्य बन जाऊंगा, ये सब आप मन में तनिक भी थोड़ा सा भी सोच नहीं लाना है। इनको जनहित के लिए उद्देश्य से करना है और दिखावा के लिए नहीं। इनको ये नहीं कि कोई पूछा आपको लौंग चलाना आता है, हाँ तो आपको आता है तो हाँ मेरे चलाना आता है, मैं आप यहाँ पे बैठ के आओ मैं दिखाता हूँ आपको कि लौंग कैसे चलता है, ये देखो ये लौंग रख दिया मैं ऐसा ऐसा कर दिया, ये देखो हाँ वो क्या है, ये हरा पेंट शर्ट पहनेगा या लाल या क्या करेगा, ऐसा आपको प्रश्न नहीं करना है। यह सब सारी विद्या जो है इस तरह का प्रयोग इन शक्तियों को छीण करता है और कार्य सफलता में बाधा होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं इस वीडियो में आपको लौंग कैसे चलाते हैं इसकी संपूर्ण विधि नहीं बता रहा हूं, इसमें एक झलक मैं बता देता हूं, क्योंकि यह बात मैं समझा दिया हूं, यह पहला पाठ है। दूसरा मैं आपको इसको मंत्र के साथ में और चला करके और किस तरह इसका प्रश्न करते हैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि लौंग कैसे चलाते हैं। जो नए हैं वो बिल्कुल इस चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब करके बगल बेल के उनको प्रेस करके आश्रित कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो बनाऊं वह जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप लोगों को मैं पहले बता देता हूं लौंग कैसे चलाया जाता है, जो कि ओरिजिनल और रियल है। किसी तरह से बहुत लोग जानते हैं कि फेक वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं जो रियल है वही बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। यह जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें का ओरिजिनल आवाज को म्यूट कर दिया गया है, आप इसे हरकत के केवल देख सकते हैं। यह जो लौंग से प्रश्न करते हैं इसका विधि नियम या क्या प्रश्न किया गया कैसे किया गया इसका विधि विधान आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा, इस परिक्रमा को कैसे किया गया था। एक मरीज थी दुर्गेश्वरी नाम की, वो आई थी, उसी समय इसको बनाया गया था उसको पूछने के लिए। इसमें आप हरकत को देख सकते हैं, पहला लौंग जो है उन दुर्गेश्वरी के नाम में रखा गया था, दूसरा जो है उसे प्रश्न करने के लिए, और ये तीसरा मेरे तरफ है। यह जो है जो शक्ति को मैंने बुलाया था आदिश्य माँ भवानी कलुआवीर कलुआ मसान उनके लिए है, तो इनको मिला जुला कर प्रश्न करते हैं उसमें सटीक उत्तर मिलता है। इसका तरीका आप भी आराम से देख लीजिए वीडियो में कि किस तरह कैसे आप देख ही रहे हैं, यदि प्रश्न करते हैं जैसे जैसे प्रश्न करते जाते हैं उस हिसाब से जवाब देता है। उनका है तो उनके बारे में पूछेंगे तो उनका जो लौंग है वो चल के दिखाता है, और अपने शक्ति से बात करते हैं तो अपना शक्ति इसमें चल के दिखाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तरीका इसका अलग अलग होता है, आप देख सकते हैं। इनका पूर्ण विधि विधान का वीडियो पार्ट टू में इसे जब डालूंगा उस समय आपको बताऊंगा उसमें मंत्र क्या है सिद्धि क्या है, लेकिन यह जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सही है, इसका सही विधि के साथ में डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप इंतज़ार कीजिएगा। देख लीजिए किस तरह से चलता है, कैसे हरकत करता है। उनसे पूछा जाता है शक्तियों को भी कि ये किससे ठीक होगा क्या नहीं होगा कैसा है क्या नहीं है, इनको जनहित के लिए है। अपने शक्ति से बातचीत करेंगे तो अपना एक जो उनके नाम में लौंग रखेंगे वह हरकत कर दिखाएगा, उनसे प्रश्न करने का तरीका भी होना चाहिए। जब उसे ठीक होगा वो कौन सी शक्ति ठीक करेगा या उनको उस लौंग चल के दिखाएगा, अब मरीज को कौन सा है क्या नहीं है उनके बारे में पूछेंगे तो वो जो है चल के दिखाएगा हरकत करके दिखाएगा। इससे पता चलता है कि मरीज के क्या है शक्ति कौन सा है और अपना शक्ति कितना काम कर रहा है, या इस तरह से विधि नियम हम लोग के गुरु जी द्वारा बताए हुआ तरीका से मैं यह पद्धति करता हूँ। जो मैं करता हूँ वही आप लोग को बता रहा हूँ, जो भी मेरे को जानकारी है उनके माध्यम से। इसी तरह यह जो वीडियो बना है जो आप लोग को बताऊं,
इसके संपूर्ण वीडियो, इसका चलाने का तरीका, किस तरह चलाते हैं और कैसे चलाते हैं, इसका पूर्ण विधि क्या है और सिद्ध कैसे करते हैं, सिद्ध करके प्रयोग कैसे, संपूर्ण विधि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल में नया तो चैनल का सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन उसको प्रेस कर आल सेट जरूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल से साथ जुड़े रहिएगा। आपको जल्द ही इसके सेकंड पार्ट का वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा।